हेलो दोस्तों, सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एस के रिपेयरिंग। दोस्तों उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। दोस्तों मेरा नाम है सारंग खसकेली। दोस्तों आज ये हमारे पास रिसीवर आया हुआ है रेड लाइट के प्रॉब्लम में, ओपन बॉक्स। दोस्तों इसमें बोर्ड लगा है 15.06G वाला बोर्ड लगा हुआ है, इसमें सिम वाला रिसीवर है। दोस्तों इसमें रेड लाइट का ही प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, ये रेड लाइट पे रुका रहता है। दोस्तों हम सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों मीटर को 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने इसको 20 वोल्ट पे सेट कर दिया। दोस्तों ये ग्राउंड लगा लेंगे। दोस्तों हमारा काम होता है सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करना कि इसके वोल्टेज सारे सही है या नहीं। दोस्तों ये ग्राउंड इसका, दोस्तों ये 12 वोल्ट। दोस्तों सप्लाई इसकी बिल्कुल ओके है, सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अभी इसके ये 5 वोल्ट चेक करेंगे। दोस्तों ये देखो सही नहीं आ रहे, इसके 3 वोल्ट 9 पॉइंट आ रहे हैं। दोस्तों अभी ये चिप लगाएंगे इसमें। दोस्तों ये ज़्यादातर सभी सारे दोस्तों को पता है कि ये किस तरीके से लगती है। दोस्तों हम इसको 5 वोल्ट भी दे सकते हैं और उसको 12 वोल्ट 15 वोल्ट तक भी दे सकते हैं, 20 वोल्ट तक। दोस्तों हम इसको 12 वोल्ट देंगे, इससे 5 वोल्ट लेंगे। दोस्तों ये पहले वाले पॉइंट को शोल्ड करेंगे और 5 वोल्ट लिखा हुआ है, 5 वोल्ट मिलेंगे। दोस्तों ये लगा के आपको चेक करवाएंगे। दोस्तों छोटी सी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे को हौसला अफजाई हो और वीडियो बनाने में। दोस्तों हमने ये इसमें लगा दिए। दोस्तों ये पहले वाले पॉइंट को शोल्ड किया है क्योंकि हमारे को 5 वोल्ट चाहिए। दोस्तों अभी इसको चेक करेंगे। दोस्तों इस रिसीवर में तकरीबन ज़्यादातर और भी फॉल्ट आते हैं लेकिन ये 5 वोल्ट जो छोटी आईसी लगी होती है ना, ये ख़राब होती है। ये वोल्टेज कम देती है या कभी बिल्कुल भी नहीं देती, जिसकी वजह से ये रेगुलेटर पे रुका रहता है, कभी बंद भी हो जाता है। ये छोटा रेगुलेटर इसका ख़राब था। अब इसको पावर देंगे, चेक करेंगे। ये देखो दोस्तों ये बिल्कुल सही ऑन हो गया। इसमें दोस्तों ये 5 वोल्ट ऐसी का एक मसला था। ओके दोस्तों, दुआ में याद।